सुधा के रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी, जिसे मैं आलू भी ऐड करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही लजीज और टेस्टी बनने वाली है। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनती है ये पत्ता गोभी की सब्जी। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं पत्ता गोभी की सब्जी बनाना। तो चलिए शुरू करें। तो पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने पत्ता गोभी। पत्ता गोभी एक मीडियम साइज़ का छोटा वाला साइज़ लिया है मैंने। तो उसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे पीस में काट लिया है। और प्याज लिया है एक बड़े साइज़ का, उसको भी लंबे पीस में काट लिया है मैंने। कोई भी सब्जी ऐसे कुछ छोटे पीस में या क्यूब्स में या छोटे टुकड़ों में नहीं काटा है। आलू भी मैं उसी तरह से लंबे कतरन में ही काटूंगी। दो आलू लिए हैं मैंने, इसे छील के वॉश कर लिया है और अभी इसे काटना है। कोरिएंडर लीव, हरी धनिया पत्ती ली है फ्रेश, जो बाद में गार्निश के काम आएगी। 8 से 10 कलियां लहसुन की ली है, जिसे लंबा लंबा काट लिया है। और ये जिंजर लिया है 1 से 1.5 इंच, जिसे कद्दूकस कर लिया है। और मसाले में हल्दी लिया है, हल्दी बहुत थोड़ा ही ले रही हूँ मैं, बहुत इसे येल्लोइश कलर नहीं देना है मुझे। तो आधे छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी है। और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला है, सब्जी का गरम मसाला। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, और आधे छोटे चम्मच से भी कम जीरा पाउडर है, और धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक लें स्वाद के अनुसार। और सरसों का तेल मैं बना रही हूँ मैं, तो इसमें हम 2 से 2.5 बड़े चम्मच सरसों का तेल का यूज़ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और आलू को भी हम लंबे लंबे स्लाइस में काट लेते हैं, पतले और लंबे स्लाइस में। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करें हम। आलू को काटने के लिए लंबे स्लाइस में आप इस तरह से आलू को काटें, पहले इसके लंबे लंबे इस तरह से पतले पतले गोल गोल स्लाइस निकाल लें। और बहुत बारीक भी ना करें और बहुत मोटा भी ना रखें। और फिर इसे इस तरह से लंबे लंबे क्योंकि पत्ता गोभी भी मैंने लंबे में काटा है, प्याज भी, तो उस तरह से आलू के भी आप स्लाइसेस निकाल लें तो वो देखने में अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से सारे पोटैटोस को इस तरह से काट लेना है हमें। ऐसे ही दूसरे आलू को भी काट लेते हैं। आलू को ऐसे कतरन को एक के ऊपर एक रख के आप फटाफट काट सकते हैं इस तरह से। तो ये आलू के पीसेस हमारे कट चुके हैं, तो इसे अभी पानी में डाल लेते हैं ताकि ये काले। गैस मैंने ऑन कर दिया और कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो चुकी है। तो इसमें 2 से 2.5 चम्मच हम ऑयल डाल देते हैं, सरसों का तेल। गैस का फ्लेम मीडियम हाई पे कर दे और तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए। तेल गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम थोड़ा सिम पे कर दे और सबसे पहले लहसुन डालें। साथ में ये कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़ा सा इसको रोस्ट होने दें। गैस का फ्लेम मीडियम हाई पे कर लें। ये थोड़े से रोस्ट हो चुके हैं, सौते हो चुके हैं, तो अभी ये प्याज ऐड कर लें। और इसको चलाते हुए हल्का सा प्याज लाइट ब्राउन हो जाए या ट्रांसपेरेंट लुक में आ जाए तब तक इसे फ्राई कर लें। मीडियम गैस का फ्लेम मीडियम हाई पे रखें और इसको चलाते हुए प्याज को सौते कर लें। मीडियम हाई फ्लेम पे प्याज को सौते कर लिया है और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लुक आ चुका है। ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। तो इसमें अभी हम आलू ऐड करेंगे। आलू को काटने के बाद 2-3 पानी से, रनिंग वाटर से मैंने इसे धो लिया था और थोड़ी देर पानी में रख दिया था। तो पानी निकालने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम अभी सिम पे कर दें क्योंकि हमें आलू को थोड़ा सा पकाना है।
अगर हम मीडियम हाई फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे आलू फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से पकेंगे नहीं, तो इसे हमें चलाते हुए या थोड़ा सा ढक के आलू को हमें थोड़ा सा पका लेना है। इसको हम कवर कर देते हैं और 2 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं, लेकिन बीच में इसे हम 2 से 3 बार चला के देखना भी है ताकि वो नीचे ना लग जाए। तो 2 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं और बीच में हम चलाते भी रहेंगे। तो 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं, इसे देख लेते हैं। इसे बीच में मैंने 2 बार चलाया है खोल के। तो इसे अभी हम थोड़ा सा मसाला ऐड करना शुरू करते हैं ताकि थोड़े मसाले भी इसके साथ पक जाएं। तो सबसे पहले हल्दी ऐड कर देते हैं। हल्दी को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लें। और दूसरे मसाले ऐड करें, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला और नमक डालें स्वाद के अनुसार। मैं आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छे से चला लें, मसालों के साथ इसको मिक्स कर लें। तो इसके साथ मसाले थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालना है ताकि पानी के साथ मसालों का फ्लेवर अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए। और अब इसी के साथ पत्ता गोभी ऐड कर लेते हैं। पत्ता गोभी अच्छे से मिक्स कर लें ऊपर से नीचे करते हुए। तो पत्ता गोभी को भी मैंने अच्छे से चलाते हुए ऊपर से नीचे मसालों के साथ और आलू के साथ मिक्स कर दिया है और इसे अभी ढक के पकाना है। तो इसे ढक देते हैं। ढकने से पहले 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल दें ताकि ये जल्दी सूखे ना और नीचे से लगे ना। और इसे ढक दें, ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाना है और बीच में हमें इसे चलाते भी रहना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद देख लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, इसे देख लेते हैं। तो पानी जो डाला था सूख चुका है, सब्जी हमारी पक चुकी है, तैयार हो चुकी है और कलर भी बड़ा प्यारा आया है, टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और 2 मिनट पकाने के लिए जब ढक के पकाया है तो हर आधे मिनट पे हमें इसे चेक करते रहना चाहिए और हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो सब्जी नीचे से लगना शुरू हो जाएगी और सब्जी हमारी जल सकती है। तो इसे हर आधे मिनट में आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। गैस टर्न ऑफ कर दें, बंद कर दें और ये लास्ट में फ्रेश कोरिएंडर लीफ, धनिया पत्ता और इसको अच्छे से मिक्स कर दें।
ये सब्जी हमारी तैयार है, इसे हम सर्विंग डोंगे में निकाल लेते हैं। तो पत्ता गोभी मिक्स आलू के साथ हमारी ये ड्राई सब्जी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि आपकी सब्जी कैसी बनी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।